नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 15 मई दिन सोमवार। आगे राजनीति से जुड़ी दिन भर की खबरों को विस्तार से जानने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। रणदीप सुरजेवाला ने कर्नाटक के अगले सीएम को लेकर दिए ये संकेत। अपने बड़बोल के कारण विवादों में घिरे बिहार सरकार के ये मंत्री। सुशील मोदी ने कर्नाटक चुनाव परिणाम को लेकर कही ये बात। माँ बागेश्वर के कार्यक्रम में शामिल होंगे तेजश्री यादव। संजय राउत के इस बयान पर एफआईआर हुई दर्ज। अब चले बढ़ते हैं प्रदेश और देश के राजनीतिक खबरों की ओर विस्तार से। रणदीप सुरजेवाला ने कर्नाटक के अगले सीएम को लेकर दिए ये संकेत। कर्नाटक का विधानसभा चुनाव कांग्रेस के पक्ष में आ चुका है। अब कांग्रेस के इस जीत के बाद लोगों के बीच यह चर्चा तेज हो गई है कि आखिर अब कर्नाटक का अगला सीएम कौन होगा। अभी तक इसका सीएम का चेहरा सामने नहीं आया है। हालांकि लोगों के बीच दो नामों की चर्चा देखी जा रही है, जिसमें सिद्धरमैया और डीके शिवकुमार शामिल है। अब इसका फैसला कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व में हाथों में ही है। बता दें कि इसी बीच अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कर्नाटक प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला के तरफ से कुछ संकेत सामने आए हैं। दरअसल पत्रकारों से बातचीत के दौरान यह बात सामने आई है कि कांग्रेस के विधायक दल की मीटिंग की सभी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी है। प्रेक्षकों ने अलग अलग सभी विधायकों से मुलाकात कर अपने विचार दर्ज किए। आगे उन्होंने बताया कि वे कांग्रेस नेतृत्व को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे, उसके बाद ही कांग्रेस विधायक दल के अगले नेता की घोषणा करेंगे। अपने बड़बोल के कारण विवादों में घिरे बिहार सरकार के ये मंत्री। नीतीश कुमार में मौजूद सहकारिता मंत्री सुरेंद्र यादव अपने विवादित बयान को लेकर घिरते नजर आ रहे हैं। दरअसल एक महिला नेत्री के खिलाफ उन्होंने खुले मन से अभद्र टिप्पणी की थी। उनके इस टिप्पणी का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हुआ। वीडियो वायरल होने के बाद मंत्री के खिलाफ जिला परिषद सदस्य बेलागंज तथा प्रदेश सचिव जदयू महिला प्रकोष्ठ ने मोर्चा खोल दिया है। दरअसल सुरेंद्र यादव को मंत्री पद से हटाने की अपील महिला नेत्री ने सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम से की है। अपील करते हुए उन्होंने कहा है कि जब मंत्री उनके बारे में खुले मंच से ऐसा बोल सकते हैं, तो फिर आम महिलाओं के साथ वो कैसा बर्ताव करते होंगे। 2024 के चुनाव को लेकर जदयू ने जारी किया यह पोस्टर। नीतीश कुमार आने वाले लोकसभा चुनाव में विपक्ष को मजबूत करने के लिए विपक्षी एकजुटता का अभियान चला रहे हैं। इस दौरान नेताओं ने कहा कि नीतीश को प्रधानमंत्री पद की लालसा है, इसलिए वे इस मुहिम में लगे हुए हैं। हालांकि नीतीश कुमार ने इस मामले को लेकर यह साफ कर दिया था कि वे प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं हैं और उन्हें पीएम बनने का कोई शौक नहीं है। अब इसी बीच एक पोस्टर सामने आया है जो चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश कार्यालय में यह पोस्टर लगाया गया है, जो कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। बता दें कि यह पोस्टर आंध्र प्रदेश के प्रदेश उपाध्यक्ष जीत नारायण मंडल के तरफ से लगाया गया है। पोस्टर में यह साफ तौर पर लिखा हुआ है कि 2024 आ रही है जनता की सरकार। इस पोस्टर में जदयू के कई वरिष्ठ नेताओं और राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और नीतीश कुमार की तस्वीर देखने को मिल रही है, लेकिन इस तस्वीर में नीतीश कुमार एक अहम किरदार के रूप में नजर आ रहे हैं। बता दें कि इससे पहले अगस्त 2022 में जब जदयू बीजेपी से अलग हुई थी, तब नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री के दावेदार के रूप में बताया गया था और पोस्टर जारी कर स्लोगन के रूप में लिखा गया था कि बिहार ने देखा है, अब देश देखेगा। सुशील मोदी ने कर्नाटक चुनाव परिणाम को लेकर कही ये बात। कर्नाटक चुनाव परिणाम को लेकर बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी का बयान सामने आया है। दरअसल कर्नाटक में अब कांग्रेस की सरकार बन चुकी है, जिसे लेकर सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि कर्नाटक विधानसभा के चुनाव परिणाम का बिहार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आगे उन्होंने कहा कि 2024 में राजद जदयू के मतदाता भी नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए बिहार में एकजुट होकर वोट देंगे। आगे उन्होंने नीतीश कुमार की चर्चा करते हुए कहा कि उनका जनाधार खिसक चुका है। पिछले साल विधानसभा के 3 उपचुनावों में जनता जदयू की उसकी हैसियत बता चुकी है। राजस्थान में सचिन पायलट के पदयात्रा पर गहलोत ने साधी चुप्पी। अपनी ही सरकार को लेकर राजस्थान के पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट की जनसंघर्ष यात्रा जारी है। आज 5वें दिन इस यात्रा का समापन किया जाना है, जिसे लेकर जयपुर में एक जनसभा भी आयोजित की गई है। अब इसी बीच कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखविंदर सिंह रंधावा ने सचिन पायलट को लेकर अपना सुर बदल लिया है। दरअसल उन्होंने कहा है कि रंधावा उनका छोटा भाई है, लेकिन पदयात्रा की टाइमिंग गलत है। बता दें कि ये वही रंधावा है जिन्होंने सचिन पायलट द्वारा किए जा रहे धरना और को पार्टी विरोधी कहा था। वही सचिन पायलट के इस यात्रा को लेकर अशोक गहलोत ने भी चुप्पी साध रखी है। राजनीतिक विश्लेषकों का ऐसा मानना है कि सचिन पायलट के इस जन संघर्ष यात्रा में अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली है, इसलिए कुछ ने चुप्पी साध रखी है तो कुछ के राजनीतिक सुर ही बदल गए।
बिहार सरकार के मंत्री ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को दिया अपना समर्थन। अब तक राजद के कई नेता तेज प्रताप और बिहार सरकार में मौजूद मंत्री पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध करते ही नजर आ रहे थे, लेकिन अब बिहार सरकार में मंत्री जो निर्दलीय विधायक बने हैं उन्होंने बागेश्वर वाले बाबा को अपना समर्थन दे दिया है। दरअसल बिहार के हाजीपुर में आयोजित एक निजी कार्यक्रम में शामिल हुए मंत्री सुमित कुमार ने मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री के पटना आगमन और उनके विरोध में तेज प्रताप द्वारा बनाए गए DSS को लेकर कहा कि बाबा को खुली चुनौती दी गई थी कि एयरपोर्ट पर ही बाबा का घेराव कर देंगे, लेकिन बाबा ने निर्धारित समय पर पटना पहुंचकर बागेश्वर धाम का दीप दरबार लगाया, जहां कथा सुनने के लिए लाखों की भीड़ जुट गई। वहीं तेज प्रताप द्वारा बाबा के विरोध में बनाए गए दल और उनके बयान को लेकर उन्होंने कहा कि मामला तेज प्रताप का व्यक्तिगत मामला है। वहीं तेज प्रताप और उनके सेना द्वारा बाबा को रोकने वाले मामले को लेकर उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, सरकार उनको सुरक्षा मुहैया करवा रही है। संजय राउत के इस बयान पर FIR हुई दर्ज। मुंबई के नासिक शहर में शिवसेना के सांसद संजय राउत के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होने की खबर सामने आई है। प्राथमिकी के दर्ज होने की वजह यह बताई गई है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राउत ने महाराष्ट्र सरकार को अवैध बताया था। साथ ही राज्य में मौजूद अधिकारियों और पुलिसकर्मियों को कथित तौर पर कहा था कि वे राज्य सरकार के आदेश का पालन नहीं करें। वहीं आने वाले 3 महीनों में एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस सरकार के गिरने का उन्होंने दावा भी किया था। राउत की यह टिप्पणी तब सामने आई थी जब 12 मई को शिवसेना केंद्रित राजनीतिक गतिरोध पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आना था। एक अधिकारी से यह जानकारी मिली है कि नासिक पुलिस ने टिप्पणी को स्वतः संज्ञान लिया और मुंबई नाका पुलिस थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 505 1B पुलिस अधिनियम 1922 और अन्य संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज हुई है। बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम में शामिल होंगे तेजस्वी यादव। बिहार आए धीरेन्द्र शास्त्री के हनुमंत कथा का आयोजन पटना से सटे नौबतपुर में हो रहा है। इस आयोजन में लाखों लोगों की भीड़ देखने को मिल रही, जहां आम आदमी से लेकर बड़े बड़े VIP और राजनीतिक नेता भी शामिल हुए। अब इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। मेरी जानकारी के अनुसार बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से मिलने आज या कल जा सकते हैं। बता दें कि बाबा के प्रतिनिधियों द्वारा तेजस्वी यादव को आमंत्रित किया गया था। यह कयास भी लगाए जा रहे हैं कि तेजस्वी यादव के साथ लालू यादव भी हनुमंत कथा के आयोजन में आ सकते हैं। बाबा के प्रतिनिधि ने बताया कि इस दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बुलाने का प्रयास भी किया जा रहा। शरद पवार ने कर्नाटक मॉडल को लेकर कह दी ये बात। कर्नाटक मॉडल की चर्चा करते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने बयान दिया है। दरअसल उन्होंने कहा है कि कर्नाटक मॉडल को अन्य राज्यों में भी लागू करने की जरूरत है और इसके लिए समान विचारधारा वाली पार्टियों को साझा न्यूनतम कार्यक्रम पर काम करना होगा। बता दें कि पवार का यह बयान मुंबई स्थित उनके आवास पर भाकपा के नेता DRaja से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान सामने आया है। उन्होंने कर्नाटक चुनाव को लेकर कहा है कि इस चुनाव ने संदेश दिया है कि हमें अन्य राज्यों में भी कर्नाटक जैसी स्थिति बनाने पर काम करने की जरूरत है। और आगे उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों में समान विचारधारा वाले दलों को एक साथ आना चाहिए और BJP को हराना चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री के हिंदू राष्ट्र वाले बयान पर जदयू प्रवक्ता ने संसद जाने की दी नसीहत। राजनीतिक गलियारों में हिंदू राष्ट्र का मुद्दा सर चढ़कर बोल रहा है। दरअसल कई नेता हिंदू राष्ट्र को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। हिंदू करने वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने भी हिंदू राष्ट्र को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। बता दें कि अक्सर उनके द्वारा हिंदू राष्ट्र पर किए जा रहे बयान को लेकर सवाल किया गया है कि हिंदू राष्ट्र कैसा होगा, तो इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि जिस दिन भारत के 2/3 सनातनी हिंदू जग जाएंगे और अपने मत का और अपने अधिकार को समझने लगेंगे, उस दिन हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। आगे उन्होंने कहा कि न तो हम राजनेता हैं और न ही किसी का समर्थन करते हैं। हिंदू राष्ट्र हम पेपर पर नहीं, हिंदू राष्ट्र हम हृदय में चाहते हैं, ताकि हमारी संस्कृति सुरक्षित रह जाए। बाबा के इस बयान को लेकर महागठबंधन के नेता की तरफ से विरोध किया जा रहा है। जदयू के एक प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि धर्म गुरुओं को ऐसे विषयों पर बोलने का अधिकार नहीं है, बोलने के लिए पहले सांसद में जाए फिर ऐसा बयान दे। राजनाथ सिंह ने PM मोदी के लिए बांधे तारीफों के पुल। महाराष्ट्र के संभाजी नगर में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के सम्मान में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद थे। उन्होंने कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि चाहे हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप थे या अब गलवान घाटी में भारतीय सेना है, भारत कभी नहीं झुका है और ना झुकेगा। वहीं रूस यूक्रेन युद्ध के समय यूक्रेन में फंसे छात्रों की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युद्ध प्रभावित यूक्रेन से भारतीय छात्रों को सुरक्षित रूप से निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आगे उन्होंने कहा कि मुझे गर्व है कि जो प्रधानमंत्री मोदी ने वह किया जो कोई और देश नहीं कर सका। कर्नाटक में BJP की हार को राज ठाकरे ने बताया अहंकार की हार।
कर्नाटक में कांग्रेस की हुई जीत को लेकर महाराष्ट्र नवनिर्माण के अध्यक्ष राज ठाकरे का बयान सामने आया है। दरअसल उन्होंने कहा है कि यह उनके स्वभाव और अहंकार की हार है, इसलिए जनता को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि विरोधी दल कभी नहीं जीतती, सत्ताधारी दल हारता है। यह स्वभाव की हार है, अहंकार की हार है, और जो ऐसा समझते हैं कि हमें कौन झुका सकता है, ऐसे विचार की हार है। इस चुनाव पर जनता के फैसले से सभी को सबक लेना चाहिए। साथ ही उन्होंने कर्नाटक के चुनाव में कांग्रेस की जीत को भारत जोड़ो अभियान का परिणाम बताया। मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ इस वजह से जारी हुआ 100 करोड़ रुपए का मानहानि केस। हाल में ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने एक चुनावी रैली के दौरान कहा था कि कांग्रेस सरकार सत्ता में आने पर बजरंग दल या देश विरोधी संगठन जो समाज में नफरत फैलाने का काम करते हैं उन पर पाबंदी लगाई जाएगी। खड़गे अपने इस बयान को लेकर फंसते दिखाई दे रहे हैं। दरअसल बजरंग दल के मानहानि मामले में कोर्ट के तरफ से खड़गे को समन जारी हुआ है। बता दें कि रमनदीप कौर जो कि संगरूर की जिला अदालत के सिविल जज है, उन्होंने 100 करोड़ रुपए के मानहानि केस में समन जारी कर दिया है। खड़गे के खिलाफ 100 करोड़ रुपए के मानहानि की याचिका हिंदू सुरक्षा परिषद बजरंग दल हिंद के संस्थापक हितेश भरद्वाज द्वारा दायर की गई थी। उन्होंने आरोप लगाया है कि खड़गे ने बजरंग दल की तुलना देश विरोधी संगठनों से की है। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने मोहन भागवत को लेकर किया ट्वीट। कर्नाटक चुनाव के नतीजों पर कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ट्वीट करते हुए कहा है कि बीजेपी की छोटी छोटी जीत पर लंबा लंबा भाषण देने वाले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत इतनी बड़ी हार पर इतने खामोश क्यों हैं? क्या साहब को झटका लगने से ज्यादा खुश है या ज्यादा दुखी? बता दें कि बीते 13 मई को कर्नाटक में चुनावी परिणाम सामने आए हैं, जिसे लेकर कांग्रेस और अन्य विपक्षी नेता अपनी अपनी खुशी जाहिर कर रहे। कर्नाटक में यह जीत एक ऐतिहासिक जीत के रूप में देखा जा रहा है, जहाँ 224 विधानसभा सीटों में से 135 सीटें कांग्रेस ने अपने नाम की है। कांग्रेस विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने देश में सबसे बड़े बजरंगबली मंदिर बनवाने की कही बात। जामताड़ा में देश का सबसे बड़ा बजरंगबली मंदिर बनवाने के बाद झारखंड हज कमेटी के चेयरमैन और जामताड़ा से कांग्रेस के बहुत चर्चित विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी द्वारा कही गई है। दरअसल कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस को मिली जीत को लेकर मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि देश में सबसे बड़ा बजरंगबली का मंदिर जामताड़ा में बनवाएंगे, चाहे इसके लिए उन्हें अपनी किडनी भी क्यों ना बेचनी पड़े। आगे उन्होंने कहा कि बीजेपी के पाप का घड़ा भर गया है, जिसके कारण अली और बजरंगबली ने कर्नाटक में भाजपा को चलता कर दिया। आगे उन्होंने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि भाजपा ने सारे नीच हथकंडे अपनाकर लोगों को तोड़ने का काम किया, लेकिन जनता ने कांग्रेस को बहुमत देकर भाजपा को मुंह तोड़ जवाब दिया है। फिलहाल आज के राजनीतिक खबरों में इतना ही। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन व्यूवर्स द्वारा हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया गया है उनके नाम है दया शंकर प्रसाद, मोहम्मद साकिर हुसैन, सदुल्लाह पलवी, अनवर करीम खान, कौशलेंद्र कुमार सिन्हा, मुख्तार। चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, राजनीतिक नेताओं द्वारा विवादित बयान देखने को मिलते हैं, इस पर शिकंजा कसने के लिए राजनीतिक दलों को क्या करना चाहिए? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।